हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ICT चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज बृहस्पतिवार 13 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 34। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसके साथ ही अगर आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन इंग्लिश में चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे दिए गए टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, जिसमें जो पहला लिंक है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर आपको लिंक मिलेगा, जिसपे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इंग्लिश में वर्कशीट का आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेंगे और जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है वो इस जगह पर आप लिख लेंगे। और साथ ही बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना फॉरवर्ड किए पूरी देखिए और वीडियो में दी गई वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह से समझिए। फिर उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करके आप एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधा चलते हैं वर्कशीट पे और देखते हैं कि हमें आज वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे एक दो लाइन लिखी हुई है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सूक्ष्म जीव ना दिखने वाले अति सूक्ष्म जीव है जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों का प्रेक्षण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमें दिखाई ही नहीं देते। ठीक है, और ये हमारे चारों ओर जो है बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर हमें कुछ समस्या दी गई है और उसके साथ ही कुछ सवाल भी दिए गए हैं। तो चलिए इनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, जिसमें यह लिखा है समस्या वन। ठीक है, इसके अंदर हमें एक सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। यह लिखा है कि सूरज जुकाम और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेजी से छींका, आपको अगले दिन ही जुकाम हो गया, क्यों? ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये है सूरज। ठीक है, इसको जुकाम था और इसकी नाक बह रही थी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बच्चा स्कूल आ गया और आप लोगों के सामने बहुत तेजी से छींका, जिससे क्या हुआ कि आपको भी अगले दिन जो है जुकाम हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि जुकाम जो है आपको क्यों हो गया, इसका क्या कारण था। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कि मुझे अगले दिन सूरज की वजह से जुकाम हो गया, क्योंकि छींकने की वजह से जुकाम के सूक्ष्म जीव हवा में फैल जाते हैं और साथ ही आसपास की चीजों जैसे कि किताबें, डेस्क, पेंसिल आदि पर भी फैल जाते हैं। जब हम इस दूषित हवा में सांस लेते हैं या इन संक्रमित चीजों को छूते हैं तो हमें भी सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जब सूरज ने आपके सामने तेजी से छींका तो उसकी वजह से आपको जुकाम हो गया। इसका कारण क्या था? कारण था कि छींकने की वजह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं और इसके साथ ही आसपास की जो चीजें होती है, जैसे कि किताब हो गया, डेस्क हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, उस पर भी सूक्ष्म जीव हवा से बहते बहते उनके ऊपर आके बैठ जाते हैं, जिसको आप छूते हैं। छूने के बाद जैसे ही आप अपना हाथ अपनी नाक पे, कान में, आंख पे लगाते हैं तो वो जीव आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको भी जुकाम हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें लिखा है कि आपको जुकाम हुआ इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपको जो जुकाम हो गया अगले दिन उसके लिए सूरज कैसे जिम्मेदार है। तो देखते हैं इसका आंसर कि मुझे जुकाम होने के लिए सूरज जिम्मेदार है, क्योंकि कल स्कूल में जब सूरज को जुकाम हुआ था तो छींकते वक्त उसने अपनी नाक और मुंह को रुमाल से नहीं ढका था, जिसके कारण वायरस हवा में फैल गए और वजह से मुझे भी जुकाम हो गया। ठीक है, तो जुकाम होने का कारण क्या था? तो क्योंकि सूरज को जुकाम था और उसको छींक आ रही थी और छींकते वक्त उसने अपने नाक या मुंह को रुमाल से नहीं ढका। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, वायरस जो है वो हवा में फैल गया, आपके बैग, कॉपी, किताब पे आकर वायरस जो है वो बैठ गया। ठीक है, और जैसे आपने उसको टच किया और आप अपनी नाक या कान को टच किया, वायरस आपके अंदर प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से आपको भी जुकाम हो गया। इसी तरह से बच्चों, जो कोरोना वायरस
वायरस है वो भी एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, वो भी हवा से फैलता है। इसी वजह से आपको हम इस दौरान मास्क लगाने के लिए कहा जाता है। साथ ही अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा एक तो मास्क लगा के रखें, क्योंकि बाहर जाने के बाद आप काफी सारी चीजों को छुएंगे, ठीक है, तो घर आने के बाद आप अपने जो हाथ हैं वो जरूर अच्छे से धो लें। और बाहर जब भी आप जा रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर भी लेके जाएं, जिससे कि आप बीच बीच में अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, ठीक है। ऐसा करने से आप लोग कोरोना से बचे रहेंगे और साथ ही थोड़े से प्रिकॉशन लेने से आप सर्दी जुकाम से भी बचे रहेंगे। इसके बाद देखते हैं सेकंड समस्या 2, जिसमें लिखा है कि राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसमें एक चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया, उसने दूध में दही क्यों डाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि राधिका ने कटोरे में दूध लिया और उसमें दही बनाने के लिए उसने एक चम्मच दही डाल दी और उसको रात भर छोड़ दिया, तो यहाँ पे पूछा गया कि उसने दही उसमें क्यों डाला, उसका क्या कारण था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसमें लिखा है कि दही में बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है, जिसे अधिक दही बनाने के लिए गर्म दूध में मिलाया जाता है। इस बैक्टीरिया और दूध प्रोटीन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से ही दही बनता है, इसलिए राधिका ने दूध में दही मिलाकर उसे रात भर दही बनने के लिए छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। दूध में दही डालने का क्या कारण था कि दही में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जिसको अधिक दही बनाने के लिए गर्म दूध में मिलाया जाता है, और ये बैक्टीरिया जो है दूध के साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है जिससे हमारी दही बनती है, ठीक है। इसी कारण राधिका ने दूध में दही मिलाकर उसे रात भर दही बनने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट। इसके साथ ही ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, और ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे वर्कशीट को कंप्लीट कर पाएं और अपनी कॉपी में नोट कर पाएं, ठीक है। मिलता हूं आपको कल शुक्रवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव ए नाइस डे।